आ जा रहे हैं हम हस्सी में हस्सीगढ़ के किले में। और ये यहाँ का नज़ारा ये देखो, बच्चे खेल रहे हैं। ये फोर्ट को रास्ता जाता है, मतलब फोर्ट तो बचा ही नहीं है, पुराने ज़माने में फोर्ट था, अब तो ये थोड़ा थोड़ा नष्ट हो गया है। ये कौन सा तालाब है मंदी पे? ये भाई आमटी तालाब है, आमटी तालाब है। ये इसहार का एक टाउन है, बहुत पुरानी जगह है, मतलब एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान जी ने यहाँ पे एक महल बनाया था, आर्मी फोर्ट भी बोल सकते हैं उसको, सेफ्टी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जैसे पीछे एक वो लेक थी पुराने ज़माने में, लेकिन अब तो जोड़ बन गया, वो बहुत गंदा जोड़ बन गया, ठीक है, उसको कम से कम मैनेज करना। सुबह 6 बजे उठा के ले आए हैं यहाँ पर, आया तो मज़ा, पर मैंने थोड़ा सा बुरा लगा कि हमारे हरियाणा में इतनी अच्छी 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 टूरिज्म साइट है, लेकिन वो सरकार ने मैनेज नहीं की हुई है। बहुत बुरा भाई, कुछ बताओगा डे मरते है? इसके बारे में रिव्यू लेते हैं कुछ मंदी भाई, थोड़ा रिव्यू दो कि क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे। आप तो यहीं पे बचपन से रहे हो भाई। मैं तो बचपन से यही चीज़, बल्कि पहले से और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं यहाँ के हालात, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दिन ब दिन ये कटती जा रही है, पहाड़ी कटती जा रही है। खनन हो रहा है इसका? हाँ, खनन हो रहा है इसका बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ की मैं भी अब यहाँ पे ये लगा लो 2 साल बाद ही आया हूँ, तो 2 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है भाई। सरकार, हरियाणा सरकार यहाँ पे, पहली बात तो सरकार को क्या करना चाहिए कि म्यूजियम बना देना चाहिए, जो पुराने जिस टाइम पृथ्वीराज चौहान के तलवारें होती थी, मुकुट होते थे, लड़ाई के जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र होते थे, वो चीज़ यहाँ रख देनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ गार्ड होना चाहिए, ताकि जो मैनेज रखे, मैनेज रखे, सिक्योरिटी हो। और यहाँ क्या है, ज़्यादातर हम अब जिस जगह पे घूम रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांच पड़े हुए है, कोई वो सफाई करनी चाहिए। हाँ, एक और खास बात है, स्पेशल नशेड़ियों के लिए है। सरकार ऐसे तो बोलती है नशा मुक्त करना, यहाँ रात को सारे नशेड़ी तो बैठे होते हैं, तो कम से कम सरकार को इतना ध्यान रखना चाहिए ऐसी ऐसी जगह पे, तो कम से कम अपने पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे नशे मिलते हैं, आप लोग आते हैं यहाँ पे हेरिटेज साइट को देखने मेरे जैसे, ठीक है, और मिलता है यहाँ पे नशेड़ी लोग। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तो ये चलो ठीक है, जो भी है, यानी आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ये खत्म होता जाएगा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो भाई हमारी फिर से वही गुजारिश है, हरियाणा सरकार कुछ करो, इसको मैनेज करो प्लीज। मेरा एक मैसेज है आप सभी लोगों के लिए कि कम से कम हमारी ऐसी पुरानी साइटों को मैनेज करके रखें, ये हमारी धरोहर है और इन्हीं में हमारा इतिहास है। पृथ्वीराज चौहान इतना बड़ा सम्राट था और यहाँ पे उसके किले की हालत की हुई है, इतनी गंदगी है यहाँ पे, कम से कम इसको मैनेज करो तो करो। प्लांटेशन तो चलो की है यहाँ पे मैंने देखी, लेकिन थोड़ी मैनेजमेंट की कमी बहुत ज़्यादा लगी है मेरे को, तो प्लीज़ हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दें, ऐसी ऐसी साइटों को बचा के रखें। कम से कम एक गार्ड बिठा सकते हो आप, और टूरिज्म को भी जनरेशन मिले, पैसा मिलेगा यहाँ पे टूरिज्म को भी थोड़ा बहुत, एक गार्ड बिठा दो, 10 रुपये की पर्ची लगा दो, इतना तो कर ही सकते हो, इनकम जनरेट हो जाएगी सरकार की भी, पर मैनेज करो इसको, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है भाई। 80 गढ़ के किले में तो आ ही रहे हैं हम, हमने आपको बताया पहले भी, तो ये 80 में है। यहाँ पे एक मेरे को बड़ी एक ख़राब चीज़, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ लगी कि मैनेजमेंट बिल्कुल घटिया मैनेजमेंट है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की। ये देखो यहाँ पे, ये पुराने उसमें बोला जाता है कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसके पैरों के निशान है, क्या है भाई ये, यहाँ पे ईंट फेंकी है और ये कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। इन चीज़ों को भी आप लोगों ने मैनेज नहीं किया तो आपका काम क्या है? मैं एक सिंपल आदमी बस, मतलब आप लोगों को ये बता रहा हूँ, तो मेरे को भी बुरा लग रहा है कि जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इतना अच्छा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कुरुक्षेत्र को इतना अच्छा मैनेज किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया है। ये देखो कितनी अच्छी ब्यूटी है यहाँ पे, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी लगी है मेरे को, मैंने पहले ही बताया, हर जगह यहाँ पे कुछ भी मैनेज नहीं किया ढंग से। कमाल की बात तो ये है कि ये नगर परिषद है 80 की,
और ये किले का रास्ता है, बिल्कुल इतनी नज़दीक है, लेकिन तब भी कोई मैनेजमेंट नहीं है।